इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड मोबाइल में आप कैसे अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राहुल जोन में। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। जिस तरीके से आप अपना प्ले स्टोर ओपन करते हैं न्यू फ़ोन पे, तो आपको इस तरीके से बोलता है साइन इन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इस तरीके से यहाँ साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से कुछ चेक इन इन्फॉर्मेशन लिख के आएगा आपके सामने। अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से ऊपर आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है साइन इन यूज़र योर गूगल अकाउंट। तो इस तरीके से आपको, अगर आपके पास आपका ईमेल आईडी पहले से है तो आपको यहाँ एंटर कर देना है, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, फॉर माई सेल्फ फॉर माई चाइल्ड, तो आपको फॉर माई सेल्फ पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने जो आ रहा है, आप किस नाम से जो है अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है आप उसे नाम यहाँ पे डाल सकते हैं देख के। तो यहाँ पे अभी मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ, तो आप जो नाम यहाँ पे एंटर करेंगे वो आप अपना आईडी प्रूफ से देख के एंटर करें, जिसमें आगे आप हमेशा के लिए जो आपका ईमेल आईडी सिक्योर रहे। इस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे जो है अपना नाम एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ इस तरीके से नेक्स्ट का बटन जो दिख रहा है, इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका मांगा जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर और डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपके जो डॉक्यूमेंट में है आईडी प्रूफ में, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन जो मिल रहा है जेंडर, तो आपको यहाँ पे मेल या फीमेल इस तरीके से जो भी आप हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख क्या रहा है, चूज योर साइन इन, यू यूज़ द ईमेल टू साइन इन टू यू गूगल अकाउंट। तो आपको यहाँ पर जो है आपको अपना ईमेल जो है क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले जिस भी नाम से अकाउंट आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वहाँ पे अपना नाम एंटर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं इस तरीके से अपना नाम एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने जो है इस यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दिया है, तो इसी नाम से जो है मेरा ईमेल आईडी क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो भी नाम यहाँ से चूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद इस तरीके से जो है हमारा यूज़र नेम जो क्रिएट होगा वो इस तरीके से हमारा यूज़र नेम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र नेम हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे प्रोसेस आगे हो गई है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, तो आप जो भी यहाँ पे पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं जो है अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, जो मैं न्यू पासवर्ड बनाना चाहता हूँ अपना, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। इस तरीके से ये ब्लू का जो टिक लगा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है पासवर्ड इस तरीके से शो होने लगेगा जो भी आप एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पर जो है मैं अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो आप देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे लिख के आ रहा है, अगर आप अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है यस आई एम इन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना जो है फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो ईमेल आईडी है वो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, विशाल पटेल 7860780@gmail.com। इस तरीके से जो है मेरा ईमेल जो है क्रिएट हो गया है। तो यही मेरा यूज़र नेम जो है मेल ईमेल जो है मेरा इस तरीके से जो है ईमेल आईडी जो है यूज़र नेम आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कर देना है इस तरीके से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक। तो नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे, आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ किसी नीचे जो आएगा एक्सेप्ट कर लेने हैं, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्ले स्टोर है वो ओपन हो चुका है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, प्ले स्टोर का अकाउंट बना सकते हैं।
यहाँ पे आप देख लेंगे इस तरीके से जो वी लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम है वो शो होने लगेगा। तो इस तरीके से जो आप भी अपना ईमेल आईडी क्रिएट। वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।